मेडिकल डॉक्टर्स को हम भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, और कुछ उदाहरण जरूर ऐसे आते हैं जहां ये डॉक्टर्स फरिश्ते जैसे लगते हैं, जीवन दान देते हैं, भगवान के रूप लगते हैं। हम उनको सलाम करते हैं, लेकिन मेडिकल क्षेत्र में भी बहुत सारे उदाहरण आपने कोरोना काल में भी देखे हैं कि जहां इंसानियत तार तार हुई है, जहां पर जिंदगियां दांव पर लगी हो, वहां पैसों से सौदा हुआ है। और कई बार तो कुछ ऐसी खबरें भी मिली कि जो उस रूप में बीमार नहीं भी थे उनको भी बीमार बताया गया। ये उदाहरण सिर्फ कोरोना काल के नहीं है, आमतौर पर मेडिकल क्षेत्र में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि मरीज को कोई विशेष समस्या नहीं होती, लेकिन उसके बाद भी उसकी टेस्टिंग बड़ी बड़ी करवा दी जाती है, उसको थेरेपी बड़ी बड़ी दी जाती है, उसको मेडिसिन भी बड़ी बड़ी उन कंपनियों की दी जाती है जिनमें उनका कमीशन होता है। वेंटिलेटर वाली घटनाएं, ऐसी घटनाएं जिनको बोलने में भी पीड़ा होती है। जीवन दान देने वाले जब जीवन का सौदा करने लग जाएं, तो फिर वो भगवान नहीं लगते, वो फरिश्ते नहीं लगते, वो राक्षस से किसी भी रूप में कम नहीं लगते। ठीक इसी तरह से एक विभाग और है, और वो विभाग बहुत बड़ा है, जहां मेडिकल साइंस काम नहीं करती, वहां पर शक्तियों की साइंस, सिद्धियों की साइंस काम करती है, वो अध्यात्म का विज्ञान है। जब मेडिकल डॉक्टर जिस रोग का इलाज नहीं कर पाते, क्योंकि वो रोग शारीरिक नहीं होता, वो दूसरा रोग होता है, शक्तियों से संबंधित होता है, सूक्ष्म शक्तियों से संबंधित उस रोग का उपचार आध्यात्मिक क्षेत्र के वे पथिक करते हैं जिनके पास साधना होती है, आराधना होती है, पुण्य जन्मों के कुछ कर्म बंध होते हैं, कि उनके पास देविक शक्तियां होती हैं, सिद्धियां होती हैं, और कई बार कुछ लोगों के पास तामसिक शक्तियां होती है। हम देविक शक्तियों की ही विशेष रूप से बात करते हैं, लेकिन कई बार लोग ये भी कहते हैं कि अगर तामसिक शक्तियां भी लोगों का भला करती है तो फिर उसे भी स्वीकार करना चाहिए। आज हमारा मुद्दा ये नहीं है देविक शक्तियां या तामसिक शक्तियां, आज हमारा मुद्दा ये है कि जब मेडिकल क्षेत्र से परेशान होकर के कोई रोगी, जब वहां उसका इलाज नहीं होता, वो ये सोच करके कोई ऊपरी चक्र है, कोई तंत्र मंत्र है, किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने कुछ खिला दिया है, वो जाता है उन लोगों के पास जिनके पास शक्तियां होती है, सिद्धियां होती है। कुछ लोगों के नाम बड़े होते हैं, बड़े ब्रांड होते हैं, और वैसे आम तौर पर तो गलियों में, मोहल्लों में ऐसे भी लोगों की दुकानें होती है। मैं उन लोगों की बात नहीं करूंगा जो गलियों में, मोहल्लों में बैठते हैं, जिनकी दुकानें छोटी होती है। मैं आज उन लोगों की बात करूंगा जो बड़े ब्रांड होते हैं, बड़ा नाम होता है, और लोगों का उन पर बड़ा विश्वास होता है, बड़ा प्रचार होता है, बड़ी भक्ति होती है, बड़ी श्रद्धा होती है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर भी अगर उनको ऐसा लगे कि गरीब की पॉकेट को देखा जाए, उसके रुपयों के वजन को देखा जाए, उस आधार पर उपचार किया जाए, या फिर देखने के बाद, समझने के बाद उसे भी कुछ उस तरह की प्रक्रियाएं दे दी जाए, देखने का पैसा लगा, बताने का, देखने का पैसा देने के बाद भी अगर प्रक्रियाओं का और पैसा देना पड़े और उसकी पॉकेट अलाउ न करे,
किसी न किसी तरह से वो प्रक्रियाएं निभाने की कोशिश करे और उसके बाद भी उसका काम न हो। तो साहब, फिर ये डॉक्टर किस काम के? ये सवाल उठता है। सवाल ये उठता है कि ये दुखी पीड़ित लोग फिर जाएं तो कहां जाएं? यहां पर भी बोल नहीं सकते, जिस तरह से मेडिकल डॉक्टर के सामने नहीं बोल सकते कि कहीं डॉक्टर गुस्सा होकर कोई गलत इंजेक्शन न लगा दे, कोई गलत दवा न दे दे। ठीक इसी तरह से यहाँ के डॉक्टर्स के सामने भी लोगों के मन में डर रहता है कि कोई तंत्र मंत्र न कर दे, कोई हम पर ऐसी क्रिया न कर दे, गुस्से में आकर के साधक कुछ ऐसा न कर दे कि फिर जिंदगी भर पछताना पड़े। इसलिए लोग डरे सहमे रहते हैं, काम नहीं होता फिर भी खुलकर के नहीं कह पाते, अफसोस होता है। जब ऐसी शिकायतें मिलती है, जब ऐसे दृश्य दिखते हैं, लोगों की ऐसी पीड़ा दिखती है, बोलना चाहते हैं बोल नहीं सकते, तब फिर एक सवाल उठता है कि क्या इनकी शक्तियां इन्हें सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित नहीं करती? क्या शक्तियों को साधने का मतलब सिर्फ दौलत कमाना है? क्या दुआओं का कोई महत्व नहीं होता? क्या इंसानियत कोई अर्थ नहीं रखती? क्या धर्म का मर्म इनकी समझ में नहीं आता? आखिर बात क्या है? सब लोग जानते हैं कि ये दौलत, ये अटालिकाएं, ये इमारतें, ये जितना भी राजसी ठाट बाट, ये सब सीमित समय के लिए है। जिस दिन इस दुनिया से विदा होना है उस दिन खाली हाथ होना है, लेकिन उन खाली हाथों में भी अगर दुआओं का साथ हो तो फिर आपके आगे का जीवन फिर बड़ा समृद्ध होता है, फिर बड़ा ठाट बाट वाला होता है। और उन खाली हाथों में अगर कहीं ना कहीं पाप की पोटलियों का साथ हो तो फिर वहां पर क्या हसर हो सकता है? जिनके पास आज शक्तियां हैं साधना की, आराधना की, आज की उन शक्तियों में भी प्रारब्ध के अच्छे कर्म हैं, उनका किया हुआ अच्छा धर्म है, तभी वो सामान्य व्यक्ति से अलग है, तभी लोग उनके चरणों को पूजते हैं, तभी लोग उनसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तभी लोगों को वो भगवान के रूप लगते हैं। लेकिन तकलीफ तब होती है जब भगवान के ये रूप दुनिया के उस दर्द को नहीं देखते, सिर्फ दौलत को देखते हैं। दुख होता है जब लोग इन तमाम बड़े ब्रांडों के लिए अक्सर ये कह देते हैं कि काम नहीं होने के बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि काम नहीं हुआ। अगर हम ये कहते हैं तो हमें झाड़ लगती है, हमारे साथ गलत व्यवहार होता है, हमें भगा दिया जाता है। यह तथ्य बड़े अफसोसजनक है। आखिर कब तक ऐसा चलता रह सकता है? आखिर लोग कब तक नहीं बोलेंगे? आखिर लोगों का धीरज कब तक बना रहेगा? जिस व्यक्ति का सब कुछ लूट जाए फिर उस व्यक्ति के पास खोने के लिए कुछ नहीं रहता, और जब किसी व्यक्ति के पास खोने के लिए कुछ नहीं रहता तब फिर वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इस बात को समझना सबके लिए बहुत जरूरी है।
क्योंकि समय हिसाब लेता है, कर्म फल हिसाब लेते हैं। दौलत के साथ दुआओं का बैलेंस भी रखना जरूरी है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि व्यवस्थाओं के लिए पैसा जरूरी है, पर पैसा क्या गरीब की जेब से ही लेना जरूरी है? समृद्ध लोग अपनी समृद्धि देते दिखते हैं, खुलकर के देते दिखते हैं, उसके बावजूद आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति पर रहम क्यों नहीं आता? क्यों उसकी पूरी पॉकेट को खाली करवाने की कोशिश होती है? जब कोई व्यक्ति अपने दर्द की ऐसी दास्तान सुनाता है, उसकी रुंधी हुई आवाज को देखकर ही मन में डर लगने लगता है कि पता नहीं इसके आंसुओं में भी कितनी आग होगी, और वो आग बद्दुआओं की चिंगारियां होती है। दुआएं जितनी कमाई जाएगी वो दौलत से भी बड़ी हो जाएगी। दुआएं क्या नहीं दे सकती, वो दौलत भी दे सकती है, वो शोहरत भी दे सकती है, और वक्त पर वो ईश्वर की उस कृपा को देती है कि जब आपको लगता है कि जटिल से जटिल परिस्थिति आपके सामने है, उस वक्त वो दुआएं आपकी रक्षा कवच बनकर के खड़ी होती है। मैं मानता हूं कि दौलत जरूरी है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि सिर्फ दौलत का नशा ही अगर रहा तो ये बहुत बड़ी सजा बन सकता है। दौलत को नशे के रूप में न रखा जाए, दौलत को आवश्यकता के रूप में रखा जाए और उसमें इंसानियत का भाव साथ में रखा जाए। अगर किसी से हम बड़ा पैसा नहीं लेंगे तो लोग शिकायत नहीं करेंगे। मैं ये मानता हूं कि साधक भी ये कह देते हैं कि इसमें हमारी कोई गारंटी थोड़ी होती है, हम अपनी प्रक्रियाएं करते हैं, लेकिन जब आप बड़ी रकम लेते हैं तब फिर लोगों को आपको संतुष्ट करना ये जिम्मेदारी बनती है। बेशक ये जो प्रक्रिया है वो भी डॉक्टर की तरह है, लेकिन मेडिकल डॉक्टर और अध्यात्म के डॉक्टर में बहुत बड़ा फासला है। अध्यात्म के डॉक्टर के साथ धर्म जुड़ा है, और जहां धर्म जुड़ा है वहां नीति जुड़ी है, और जहां नीति जुड़ी है वहां पद नीति का क्या काम, यह सवाल बनता है। अगर हमारे पास इतनी बड़ी भीड़ है, हमारे पास इतने बड़े फॉलोवर्स हैं, इतनी लंबी लाइन है, तो पैसा भी आ रहा है, लोग दे रहे हैं, उसके बाद व्यवस्थाएं क्यों नहीं बनती? लोगों को एक एक बात के लिए इधर उधर क्यों घूमना पड़ता है? समृद्धि भरपूर, उसके बाद में भी व्यवस्थाएं नहीं, लोगों को खींच होती है, लोग मन ही मन घुटते हैं, और ये शिकायतें जिस दिन गुब्बार बनकर के खड़ी होती है
उस दिन, फिर ये बहुत बड़ी बात बन जाती है। मैंने बहुत साल पहले भी इन बातों पर अपनी बातें कही थी, इन तथ्यों पर अपनी बातें कही थी। पता नहीं समझा क्यों नहीं जाता, लोगों को हर बात की जानकारी क्यों नहीं दी जाती। क्या लोग अपने नंबर के लिए वहीं बैठे रहे? उन्हें बताने की जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई जाती? सारे काम व्यवस्थित रूप से क्यों नहीं किए जाते? प्रोफेशनल लोग क्यों नहीं रखे जाते? जब इतना पैसा आता है तो खर्च करने में दिक्कत क्या है? अच्छी सड़कें, अच्छे कमरे, अच्छा पानी, अच्छा भोजन, अच्छी व्यवस्था, अच्छा वातावरण, ये क्यों नहीं किया जा सकता? और सबसे बड़ी बात, दुखी परेशान लोग जब किसी से कोई बात पूछते हैं तो उनको मिठास से जवाब क्यों नहीं मिलता? उन्हें झिड़काया क्यों जाता है? लोगों के मन में तकलीफ होती है, हर व्यक्ति का सम्मान है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, आत्मसम्मान सबका है और हर व्यक्ति के आत्मसम्मान का सम्मान करना ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। अगर हम इन छोटी छोटी बातों को ठीक कर लें तो फिर बहुत सारी शिकायतें दूर हो जाती है। अगर हम मन में थोड़ी सी दया कर लें, थोड़ी सी करुणा रख लें, थोड़ा सा स्थान दुआओं का रख लें, तो भी मुझे लगता है बहुत सारी शिकायतें दूर हो जाती है। हम ऐसा क्यों नहीं करते? जिनके पास पैसा नहीं होता वो व्यवस्था नहीं कर सकते, उनकी मजबूरी होती है, और जहां पैसा बरसता है वहां पर सही रूप से व्यवस्थाएं क्यों नहीं होती, वहां पर प्रक्रियाएं सही रूप से क्यों नहीं होती? और बेवजह प्रक्रियाओं के नाम पर पैसे लेने की प्रवृत्ति क्यों रहती है? ये सवाल पहले भी उठे हैं, आज उठ रहे हैं, फिर इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सुधार नहीं हो रहा। लोग कह रहे हैं, इसलिए लोगों की पीड़ा बोलनी पड़ेगी, ये जिम्मेदारी है। व्यवस्थाएं ठीक हो, लोगों की बातें सुनी जाए, पीड़ाओं का समाधान हो, और जो भी व्यक्ति साधकों के आराधकों के धाम में, दरबार में, आश्रम में जाए, उसके साथ मीठा व्यवहार हो। अगर मिठास के साथ उसके सर पर, उसके कंधे पर हाथ रख करके आप उसे विश्वास दे दे तो वो व्यक्ति उर्जित हो जाएगा, उस व्यक्ति का दुख थोड़ा कम हो जाएगा। ये प्रयास होना चाहिए, ये भाव होना चाहिए। सिर्फ दौलत कमाने के लिए जब ऐसे आश्रम, जब ऐसे धाम, जब ऐसे दरबार लगते हैं तो माफ कीजिएगा, फिर वो दुकानें होती है, फिर वो उद्योग होते हैं, वो धर्म का क्षेत्र नहीं होता, वो सेवा का क्षेत्र नहीं होता, वो लोगों के कल्याण का क्षेत्र नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में ये जितने भी लोग हैं उनमें कुछ लोग
हो सकता है बहुत सही चल रहे हैं, उनके लिए मेरा ये सवाल नहीं है। लेकिन शेष सभी लोग इन सवालों पर गौर करें, वो दुकानें चला रहे हैं, वो बाजार चला रहे हैं, वो उद्योग चला रहे हैं, या वो सेवा का प्रकल्प चला रहे हैं। गौर कीजिएगा, हर दिन गौर कीजिएगा कि आपने दौलत तो कमाई, वो तो आपका अकाउंट बता देगा, लेकिन आपने कितने लोगों की आंखों के पानी को आपने हटाया, कितने लोगों के चेहरों पर आपने मुस्कुराहट भरी, कितने लोगों के दर्द आपने दूर किए, और कितने ऐसे लोगों की दुआएं ली जिनके पास आपको देने के लिए दौलत नहीं थी, लेकिन आपने उनका भला कर दिया। बहुत गंभीर विषय है, बोलना पड़ेगा, इसलिए बोलना पड़ेगा क्योंकि लोगों की भावुक आवाजें, उनका दर्द, आर्थिक रूप से कमजोर लोग कर्जा लेकर के जाते हैं, क्या स्थिति रहती है उनकी, एक रोग तो ठीक होता नहीं और वो दूसरा रोग कर्ज का, आर्थिक स्थिति में कमजोर आर्थिक स्थिति में और कर्ज उन्हें और कितना दबा देता है। साहब, जिनके पास पैसा बरसता हो उनसे अपेक्षा ये होती है कि गरीबों का काम निशुल्क करें, और जब वो जाएं तो दक्षिणा उनको अतिरिक्त आप दें। नर सेवा नारायण सेवा, अगर आप उनको कुछ देंगे, थोड़ा अर्थ का सहयोग कर देंगे, उनका निशुल्क काम कर देंगे, उस व्यक्ति की जितनी दुआएं मिलेगी वो आपके अगले जन्मों की दौलत बनेगी। मुझे नहीं मालूम मेरी इस बात से कितने लोग समझेंगे, क्या समझेंगे, कितना बदलाव करेंगे, लेकिन ये मालूम है मुझे बोलना अगर बार बार पड़ा तो मैं बोलूंगा, मैं इन लोगों के दर्द की आवाज को बोलूंगा। मेरी जिम्मेदारी है, ये पत्रकारिता का धर्म है और ये इंसानियत का मर्म है। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।